एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए कच्चे चावल की एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए फटाफट इसे देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम कच्चा चावल लिया, इसे रात भर भिंगो के रख दिए थे। दो हरी मिर्च, थोड़े से लहसुन, थोड़े से अदरक, थोड़े से धनिया के पत्ती, एक गाजर को मैंने क्रश कर लिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक और एक प्याज को बारीक बारीक मैंने काट लिया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चावल, लहसुन और अदरक को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चावल के पेस्ट में 1 गिलास पानी डालकर घोल बना लिया। अब इसमें हम कटी हुई धनिया, क्रश किया हुआ गाजर, कटी हुई प्याज, कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं। और आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी बच्चे वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरीके से उन्हें बना के खिला सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो बच्चे इसे शौक से खाएंगे। आप इसे ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं या फिर इवनिंग में भी इसे बना के खा सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं और फिर हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत कम टाइम में बन जाती है, आप इसे इजीली से कम टाइम में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है, सब अच्छे से मिक्स हो गया है और हमें ऐसे ही इतने ही थिक चाहिए। तो चलिए आगे का प्रोसेस। तो आगे के प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे एक तवा लिया, ये नॉन स्टिक है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि नॉन स्टिक ही होना चाहिए। तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे तवा को गर्म कर लिया है। अब इसमें हम थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से ऑयल डालेंगे और फिर इसे अच्छे से हम फैला देंगे। तवा भी गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये घोल डाल देते हैं और इसे फिर अच्छे से फैला देंगे। अब हम इसे कवर कर देते हैं ताकि ये कुक हो जाए। अब हम यहाँ पे लीड को हटा के देख लेते हैं ये कितना कुक हुआ है। तो सबसे पहले इसे हम पलट देते हैं, तो देखिए इसमें उतना अच्छा से कलर नहीं आया, इसीलिए हम यहाँ पे से अलट पलट के अच्छे से कलर आने तक कुक करेंगे। और इसे मैंने कवर कर दिया था ताकि इसमें जो मैंने वेजेस डाले वो अच्छे से कुक हो जाए। बस अब इसमें हमें कलर लाने तक अच्छे से अलट पलट के कुक करना है ताकि ये थोड़ा सा खाने में क्रंची लगे, टेस्टी लगे। तो अब हम दूसरे साइड भी पलट देते हैं, ये साइड अच्छे से कुक हो गया और कलर भी बहुत अच्छा आ गया है। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में। तो ये डिलीशियस जितना देखने में लग रहा है उससे कई गुना टेस्टी खाने में होता है। तो बाकी को भी हम सेम इसी प्रोसेस में कुक करेंगे। और अगर आप भी पराठा या रोटी खा खा के बोर हो गए हो तो इस तरीके से एक बार ट्राई करें चावल की रेसिपी, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी मुझे उम्मीद है। अब इसे मैंने खोल लिया, ये भी हो गया है। तो बाकी को भी हम सेम ऐसे ही कुक करेंगे। तो इसे भी मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है, तो आप लोग भी ट्राई करें।